Good morning, students. I am your social study teacher. Take out your social study book, class 4th with pencil. ठीक है, pencil अपने हाथ में रखें. आप लोगों ने जो homework मैंने previous दिया था वो किया होगा. ठीक है, today we will do the work page number 16 and 17. Open the book page number 16. This is the page number 16, work page. Question number A. ठीक है, दिस वन ए फैक्ट. फैक्ट मीन इंफॉर्मेशन. फाइल ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो इंफॉर्मेटिव फाइल है हमारे पास वो ये है. ठीक है, इसमें लोकेशन अगर देखे तो 24 out to 36 डिग्री नॉर्थ, 61 degree to 76 degree ईस्ट. अगर मैप की तरफ हम आएँ तो ये दिस इज़ द मैप ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि 24 degree north, ये देखें 24 degree north से स्टार्ट है. ठीक है, जब यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे अगर नॉर्थ देखा जाए तो ये देखें 36 degree north. ठीक है, तो ये हमारे पास 36 degree north है. अगर डायरेक्शन है तो ये हमारे पास डायरेक्शन है, ये देखें नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. तो ऊपर हम जाएंगे तो क्या होगा, नॉर्थ होगा. अब ईस्ट की तरफ आए तो यहाँ से देखें तो 61 से लेकर हमारे पास 64 है ना, तो 61 फिर 62 63 और फिर 64 यहाँ से लेकर 68. ठीक है, और फिर लास्ट जो है हमारे पास 76 degree east. तो इस तरफ ईस्ट है ना, तो यहाँ पे हमारे पास 76 degree east. तो इसी तरह पाकिस्तान का मैप जो है वो डिफाइन किया जा सकता है ऑन वर्ल्ड मैप में. एरिया जो है वो 7,96,095 square kilometer है. कैपिटल सिटी जो है इस्लामाबाद है. पॉपुलेशन 207 million है हमारे पास 2017 में, जो सेंसिस मर्दम शुमारी की गई है. सेंसिस मींस मर्दम शुमारी, जहाँ जिस टाइम पॉपुलेशन की शुमार की जाती है. ठीक है, काउंट की जाती है. रिलीजन हमारा, हमारे पास इस्लाम है. जैसे 100% पाकिस्तान में है तो उसमें 96% मुस्लिम्स हैं और बाकी 4% जो है वो बाकी अकायद से जो है ताल्लुक़ है उनका, सिख हो गए, हिंदू हो गए, क्रिश्चियंस हो गए. ठीक है, तो ये है. लैंग्वेज यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बराहवी एंड अदर्स. और हमारी करेंसी पैसे जो है वो रुपी है. ठीक है, आप लोग तो रुपी जानते हैं ना, जिस तरह पहले वो कागज़ में होता था और अब जो है वो सिक्के में है. अब ये देखें तो ये एक मॉडल था हमारे पास. तो यहाँ पर हमने कम्प्लीट योर फिक्ट फाइल ऑन पाकिस्तान बाय एडिंग द नेम ऑफ प्रोवेंसेस एंड प्रोवेंशनल कैपिटल्स. यानी ये हमारे पास प्रोवेंसेस है और उनके जो कैपिटल सिटी है वो ये है. ठीक है, तो फर्स्ट वन जो है हमारे पास बलूचिस्तान है. हमारे पास 4 provinces हैं. अगर मैप में देखा जाए तो दिस इज़ द मैप ऑफ पाकिस्तान. ये जो ऑरेंज कलर है तो ये बलूचिस्तान है. ये जो लाइट पर्पल है तो ये हमारे पास KPK है. जो लाइट येलो है ये हमारे पास पंजाब है. और जो डार्क पर्पल है, ठीक है, ये हमारे पास सिंध है. तो ये 4 provinces हैं हमारे पास. बलूचिस्तान का जो बलूचिस्तान की जो कैपिटल सिटी है वो क्वेटा है. अगर मैप में देखें तो जहाँ पे मैंने पेंसिल की नोक रखी है तो दिस वन इज़ क्वेटा. ठीक है, सिंध का जो है हमारे पास कराची है. देखें तो ये हमारे पास कराची हो गई. पंजाब का जो है हमारे पास लाहौर है. ठीक है, तो दिस वन इज़ लाहौर. एंड KPK का हमारे पास पेशावर है. ठीक है, तो ये सारे हमारे पास कैपिटल सिटी ऑफ प्रोवेंसेस हैं. बलूचिस्तान का क्वेटा है. ठीक है, उसकी पॉपुलेशन 10 million है और उसकी जो एरिया है वो ये है. सिंध का हमारे पास कराची है, पंजाब का लाहौर है, KPK का पेशावर है. ये आप लोगों ने पेंसिल से राइट करने हैं. अब आप लोग आए क्वेश्चन नंबर बी की तरफ. लुक एट द लार्ज मैप ऑफ वर्ल्ड. वर्ल्ड मैप आप लोग देखेंगे. राइट डाउन द नेम्स ऑफ 5 countries लार्जर देन पाकिस्तान. यानी पाकिस्तान से जो बड़े ममालिक हैं उनके नेम्स राइट करने हैं और जो उनसे पाकिस्तान से छोटे हैं उनके नेम्स राइट करने हैं, और वो भी 5. जैसे रशिया,
कनाडा, चाइना, ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट, तो ये फाइव हमारे पास जो है ये लार्जेस्ट कंट्री देन पाकिस्तान है। इन पाकिस्तान से ये बड़े कंट्रीज़ हैं। और हमारे पास जो पाकिस्तान से स्मॉलर है वो है मालदीव, सिंगापुर, बहरीन, ब्रुनाई एंड पलस्टीन। ठीक है, तो ये हमारे पास स्मॉल लिस्ट है। जैसे देखिए ना, फर्स्ट वन जो लार्जर है वो कौन से हैं? फर्स्ट वन रशिया, सेकंड वन कनाडा, थर्ड वन चाइना, फोर्थ वन ब्राज़ील, फिफ्थ वन यूनाइटेड स्टेट। और हमारे पास जो दूसरा है वो स्मॉलर जो है, तो फर्स्ट वन है मालदीव्स, प्रोनाउंसिएशन क्या है? मालदीव्स। सेकंड वन सिंगापुर, थर्ड वन बहरीन, फोर्थ वन ब्रुनाई एंड फिफ्थ वन फलस्तीन। ठीक है, तो ये टू क्वेश्चंस जो है हमारे पास वर्क पेज में हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, यानी सी। सी जो है, यूजिंग द स्केल्ड मैप इन योर एटलस मेजर एट द डिस्टेंस फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची, यानी इस्लामाबाद से कराची तक उसकी क्या डिस्टेंस है? यूज़ द स्केल टू वर्क आउट द डिस्टेंस इन किलोमीटर, लेकिन स्केल जो है वो हमारे पास किलोमीटर में होना चाहिए। डिस्टेंस ऑन द मैप जो है, यानी पूरे मैप का डिस्टेंस जो है हमारे पास वो 502 किलोमीटर है। ठीक है, और हमारे पास जो स्केल है उसका सेकंड वन स्केल है, तो वो 1 सेंटीमीटर इक्वल है 50,000 किलोमीटर के। 1 सेंटीमीटर इक्वल है 50,000 स्क्वेयर किलोमीटर के। और थर्ड वन है के डिस्टेंस फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची, यानी इस्लामाबाद से लेकर टू कराची जो हमारे पास उसका फासला है, डिस्टेंस का मतलब है फासला वो कितना है, तो वो हमारे पास है 704 माइल्स या फिर 1132.98 किलोमीटर, जो हमारे पास ये है। कम टू द पेज नंबर 17। ठीक है, ए बी सी डी हमने कर लिए, आप जो है हम करेंगे पार्ट डी। Use more detailed maps on in your atlas. Atlas means जहाँ पे maps होते हैं, to measure the distance between other major cities and Pakistan. जिस तरह हमारे पास distance from Islamabad to Karachi था, तो अब जो हमारे पास largest cities हैं उनके दरमियान distance कितना है? First one है इस्लामाबाद टू कराची, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है? 1141 किलोमीटर या 709 माइल्स। कराची टू केपीके हमारे पास हैं, यानी कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है? 1226 किलोमीटर या 762 माइल्स। थर्ड वन केपीके टू लाहौर, यानी लाहौर तक उनका कितना डिस्टेंस है? तो 422 किलोमीटर या फिर 262 माइल्स। फोर्थ वन है लाहौर टू मुजफ्फराबाद, क्या डिस्टेंस जो है हमारे पास है? 324 किलोमीटर या 201 माइल्स। तो ये हमारे पास इन फोर में जो है बिटवीन लार्जर मेजर्स कंट्रीज़ जो है उनके दरमियान डिस्टेंस हैं, फासला है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ई। मैच द फेमस लैंडमार्क्स टू द प्रोवेंसेस एंड विच दे आर लोकेटेड, यूज ऑन द एटलस टू हेल्प यू मैच। अगर हमारे पास ये है ठीक है, तो कायद आज़म म्यूज़ियम जो है, कायद आज़म का मज़ार जो है वो कहाँ पर है हमारे पास? तो वो हमारे पास जो है कायद आज़म का मज़ार कहाँ पर है? वो कराची में है। ठीक है, ये हमारे पास है कायद आज़म म्यूज़ियम, जो उनका लैंडमार्क है। कराकोरम हाईवे जो है वो हमारे पास यहाँ है, जहाँ पे मैंने पेंसिल की नोक रखी है। ठीक है, दिस वन इज़ कराकोरम हाईवे, जो कनेक्ट करता है चाइना को गवादर के साथ। दिस वन इज़ चाइना एंड दिस वन इज़ गवादर।
बादशाही मॉस्क जो बादशाही मस्जिद है जो लाहौर में हमारे पास है तो वो पंजाब में यहाँ है बादशाही मॉस्क। फोर्थ वन शालीमार गार्डन, शालीमार गार्डन वो भी हमारे पास लाहौर में है। ठीक है, ये हमारे पास बहुत पुराने एंशियंट प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग विज़िट के लिए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास शालीमार गार्डन। फिर फिफ्थ वन मोहनजोदड़ो, फिफ्थ वन मोहनजोदड़ो जो एक खंडर है। ठीक है, जो पुराने ज़माने में यहाँ पे लड़ाई हुई थी और वो डिस्ट्रॉय हुआ था और अब जो है तो उसको दोबारा रिबिल्ड नहीं करवाया बल्कि अब भी उसी तरह खंडर पड़ा है, तो वो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड ठीक है टेक्सला। तो ये हमारे पास जो है ये कंडरात हैं जो कहाँ पर है, सिंध में है, जहाँ पे मैंने पेंसिल की नोक रखी है। तो दिस वन इज मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। सिक्स वन के टू माउंटेन पीक, के टू जो पाकिस्तान में फर्स्ट हाईएस्ट पीक है जबकि वर्ल्ड में ये सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, तो के टू हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, दिस वन इज के टू। ठीक है, के टू हाईएस्ट पीक। सेवन्थ वन चांगा मांगा फॉरेस्ट, चांगा मांगा फॉरेस्ट जो है वो हमारे पास है पंजाब में। तो ये जहाँ पे मैंने पेंसिल की नोक रखी है तो दिस वन इज चांगा मांगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ये मैप है तो इसमें मैंने सारी जगह को लोकेट की है, आप लोग फिर पेंसिल से इस पर राइट कर लें तो आप लोगों को जो है ये इजी होगा। ठीक है, तो ये वर्क पेजेस जो है 17 और 16 ये आप लोग आज पेंसिल से कर लें तो हमारा जो आज जो लेक्चर है तो इसी वर्क पेज पे है। ठीक है, टुमारो वी विल डू द क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।